बड़ी खबर का रुख करते हैं बीकानेर से। इस वक्त की बड़ी खबर, रात को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक घर पर हमला करने का आरोप, लाठी भाटों से हमला करने का आरोप है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, गंगा शहर थाना इलाके का ये मामला है। दो गुटों में झगड़ा हुआ था। थाना अधिकारी नवनीत ने कहा कि पुलिस ने मौका देखा, विधि समक्ष कार्रवाई होगी। हालांकि फर्स्ट इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि, लेकिन वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जरा देखिए, ये घटना का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने एक घर पर हमला किया है, ऐसा आरोप लगाया गया। लाठी भाटों से हमला करने का आरोप है। तस्वीरों में कुछ ऐसा दिखाई भी दे रहा है, जरा देखिए किस तरीके से पत्थर को उठाकर घर की तरफ फेंका गया। अब ये घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, गंगा शहर थाना इलाके का ये मामला है। दो गुटों में झगड़ा हुआ है, ये देखिए हाथों के अंदर डंडे हैं, कुछ हथियार भी हैं और पत्थर भी इस्तेमाल किए गए हैं। कमाल की बात यह कि इस दौरान महिला भी नजर आ रही है। हालांकि किस बात को लेकर यह झगड़ा हुआ है ये जानकारी अभी तक नहीं लग पाई। थाना अधिकारी नवनीत ने कहा कि पुलिस ने मौका देखा है, यानी कि वहां जाकर हालातों के जायजे लेने के बाद कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फर्स्ट इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको महिला भी दिखाई दे रही है। ये बीकानेर की घटना है जहां दो पक्षों के बीच में हमला हुआ, या फिर कहें कि एक पक्ष पर दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से हमला किया गया। पत्थर फेंके गए हैं, डंडे और बाकी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, उनको भगाने की कोशिश की गई है। इस तस्वीर में जब आप देखेंगे तो कुछ लोग निकल कर आए और वो भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से वीडियो सामने आया, पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इन लोगों को पकड़ने में, क्योंकि काफी हद तक तस्वीरें इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही फिर ये सब हुआ, कुछ लोग और निकल कर आए, उन असामाजिक तत्वों को भगाने की कोशिश की गई। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, कोई भी जानकारी लग पाए कि ये लोग कौन थे, क्यों हमला किया गया, क्यों पत्थर फेंके गए? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, ये कोई साइड को लेकर, गाड़ी की साइड को लेकर जो है दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ था। एक ही समुदाय की दो अलग अलग जातियों के बीच विवाद था, जिसके बाद जब एक समुदाय के लोगों ने उनको इस तरह से कहिएगा फटकार लगाई इस बात पर, तो दूसरे लोग जो है वहां पर पहुंच गए और उन्होंने, आप देख पा रहे होंगे विजेंद्र, किस तरह से लाठी और पत्थर चलाए हैं। पुलिस जो थानाधिकारी है नवनीत, उनका कहना है कि रात को मौके पर गए थे, अभी शांति है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ये कहा जा सकता है दो गुटों का ये जो है झगड़ा हुआ था, और साइड जो कार की साइड बहुत ही मामूली चीज को लेकर अगर पत्थर बरसेंगे तो निश्चित तौर पर गलत है, कुछ शक्ति की भी जरूरत है कह सकते हैं ये बात। लेकिन फिलहाल जो है वहाँ शांति है और अभी जो है पुलिस ने कोई मामला दर्ज कराया गया है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो में तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है, अगर मामला दर्ज कराया जाएगा तो ट्रैक करने में बहुत मुश्किल पुलिस को नहीं होनी कि ये लोग कौन है? बिल्कुल विजेंद्र, बिल्कुल वो पता लगभग लग गया है और दोनों तरफ से शिकायतें आई हैं शायद, तो अभी मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। थानाधिकारी ने जो हमसे बातचीत हमने जो की है, क्योंकि देर रात की घटना थी, पहला काम पुलिस का ये था कि वहां पर किसी तरह कोई ऐसी आपस में स्थिति ना बिगड़े, शांति रहे, तो वो रात को समझाइश की गई और अभी जो है शिकायत दोनों तरफ से आ रही है, वो उस पर जो भी एफआईआर होगी वो दर्ज होगी। लक्ष्मण, अंतिम सवाल, किसी को चोट आई या नहीं आई? देखिए विजय, किसी कोई चोटिल नहीं हुआ, बस ये खैर गुजरी है कि कोई चोटिल नहीं हुआ वहां पर, जो है कोशिश जरूर की गई थी लेकिन पत्थर बरसाए गए, लाठी भी चलाई, थोड़ी बहुत लाठियां एक आध लगी हैं, लेकिन कोई इस तरह से घायल नहीं हुआ ये कहा जाता है। लक्ष्मण शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।